आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस मुंबई लेकर आई है। दरअसल पुलिस आईफोन मोबाइल के जांच के सिलसिले में उसे मुंबई लेकर आई है। बताया जा रहा है कि विभव कुमार ने अपने मोबाइल फोन को मुंबई में ही फॉर्मेट मारा है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने 13 मई को केजरीवाल के घर में मौजूद सभी स्टाफ मेंबर्स के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं। इस मामले का मुख्य आरोपी केजरीवाल का पूर्व पीए विभव कुमार है। वो 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। जानकारी के मुताबिक रिमांड के दौरान विभव पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से विभव की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया था कि विभव कुमार ने सीएम आवास में सबूत मिटाने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को विभव को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस उसे पूछताछ के लिए सिविल लाइंस थाने लाई थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने विभव को 30,000 कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था और उसकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिमांड कॉपी में कहा है कि आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अपना मोबाइल फोन मुंबई में फॉर्मेट किया है, जबकि आरोपी के मुताबिक विभव कुमार आईफोन 15 यूज कर रहा है। यह डिवाइस पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पुलिस ने रिमांड कॉपी में कहा कि अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति और सहायता के बिना उसे खोलना संभव नहीं है और फोन में इसमें मौजूद ऐप्स तक आरोपी की मदद के बगैर नहीं खोले जा सकते हैं। इस मामले की तह तक जाने के लिए दिल्ली पुलिस आज विभव कुमार को मुंबई लेकर आई है। मुंबई प्रवास के दौरान विभव जहां जहां गया था, पुलिस उन सभी लोकेशंस पर जाएगी। पुलिस की जांच के लिए सबसे अहम ये जानना है कि विभव ने अपने फोन को क्यों और कहां फॉर्मेट किया है। इसके अलावा मुंबई में विभव जिन लोगों से मिला था, पुलिस उनके स्टेटमेंट भी दर्ज करेगी। पुलिस ने इस मामले में अब तक जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद किए हैं, उन गैजेट्स को भी FSL की जांच के लिए भेज दिया गया है। आपको बताते चले कि पुलिस को गुरुवार रात विभव को कोर्ट में सामने पेश भी करना है, क्योंकि उसकी रिमांड गुरुवार रात को खत्म हो रही है। विभव की रिमांड के लिए पुलिस ने अपनी रिमांड कॉपी में कहा था कि फॉर्मेटेड या डिलीटेड मोबाइल डेटा रिकवर करने और आरोपी के मोबाइल फोन के फॉर्मेटिंग के फैक्ट का पता लगाने के लिए उसे एक्सपर्ट्स के पास ले जाना जरूरी होगा। ये डेटा सबूत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुलिस ने रिमांड कॉपी में कहा है कि आरोपी ने अपना मोबाइल फोन मुंबई में फॉर्मेट किया था। किसी भी सिस्टम में कोई क्लोन कॉपी डेटा रखने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और ये बेहद अहम सबूत है। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस अब विभव को मुंबई लेकर आई है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी।